हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल मेरे किचन स्पाइस पेंट्री में आप सबको स्वागत है। बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है, हर जगह पे कम ज़्यादा बारिश हो रही है। और बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ का क्रेविंग होता है वो होता है फ्राइड खाने का मन। आज मैं चना दाल वड़ा बनाने का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे मसाला वड़ा भी बुलाया जाता है। सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। चना दाल वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चना दाल ले लिया, अच्छे से धो के मिनिमम 2 से 3 घंटे के लिए पानी के अंदर सोक करके रख दिया था। 2 से 3 घंटे बाद ये अच्छे से फूल चुका है। अभी इसे पीस लेते हैं। पीस लेने से पहले 1 बुट्टी भर के चना दाल मैंने अलग रख दिया, बाद में यूज़ करना है। बाकी का चना दाल एक मिक्सिंग जार में ले लिया। दाल के साथ इसमें ऐड कर रही हूँ सौंफ, ब्लैक पेपरकॉर्न, जीरा, कुछ करी पत्ता। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके दाल को पीस लिया। आप लोग विदाउट पानी भी इसे पीस सकते हैं। पिसा हुआ दाल एक बड़ा सा प्लेट में ले लिया। अभी ऐड कर रही हूँ जो दाल अलग रख दिया था उसे। खाने के टाइम मुंह में जब इस तरह का दाल आएगा, गोटा दाल, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक अच्छा सा क्रंची बाइट मिलता है। साथ में ऐड कर दिया चावल का आटा, स्वाद अनुसार नमक, फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, ग्रीन चिली, फ्रेश धनिया, अच्छे से सारे कुछ मिक्स करके अभी 10 से 15 मिनट के लिए इसे साइड में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट बाद हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लिया ताकि दाल हाथ में चिपक ना जाए। जिस साइज़ का वड़ा हमें बनाना है उस हिसाब से पोर्शन ले लेंगे और चपटा करके इस तरह का टिक्की का शेप दे देंगे। मुझे जितना वड़ा चाहिए था मैंने बना लिया। अभी इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल ऑलरेडी गर्म करने के लिए रख दिया था। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फ्लेम मीडियम पे कर देना है और एक एक करके वड़ा इसमें डीप करते जाना है। पहले कुछ मिनट हम इसमें करछी नहीं लगाएंगे। जैसे ही हल्का सा नीचे का साइड होना शुरू होगा, हल्का सा ये शेप पकड़ना शुरू करेगा, हम धीरे धीरे वड़ा का साइड चेंज कर देंगे। अगर वड़ा खाने में थोड़ा सा टाइम बचा है तो 60-70% जब वड़ा हो जाएगा इसे निकाल के रख देंगे। खाने से पहले फिर से 1.5 से 2 मिनट फ्राई करके इसे हम खाएंगे। इसे क्रिस्पी भी बनता है और इजी भी हो जाता है। तो वड़ा अभी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं दोनों साइड। गोल्डन ब्राउन करके मीडियम आंच पे इसे हम फ्राई कर लेना है। हाई आंच पे अगर करेंगे तो बहुत जल्दी बाहर लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। बड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अभी इसे निकाल लेते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, खाने में ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बारिश के मौसम में नाश्ते में चाय के साथ अगर गर्मा गर्म इस तरह का चना दाल वड़ा मिल जाए तो सबके सब खुश हो जाएंगे। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।